अभी हम लोग ये जून से लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत अभी आज भी 154 मोबाइल कुल लगभग 23,10,000 का वितरण किया जा रहा है। निश्चित तौर पे मोबाइल चोरी में कमी आ रही है क्योंकि हम लोग उसको मोबाइल को ट्रैक कर रहे हैं बहुत तेजी से और उसमें जो भी साइबर फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा रहती है। और हम लोगों ने टोटल अभी तक 8वीं बार 1,129 मोबाइल को हम लोगों ने लौटाया है जिसकी लगभग कीमत 1,70,00,000 रुपए है। उम्मीद तो नहीं थी मगर बहुत अच्छा लगा, खुशी की बात है कि मिल गई हमें ये मोबाइल। ऑपरेशन मुस्कान के तहत नए साल खत्म होने से पहले ही बिहार पुलिस ने लोगों को उपहार देना स्टार्ट कर दिया है। आपको बता दें कि जिन किसी का भी यात्रीगण जो होते हैं उनके स्टेशन पर मोबाइल गुम हो जाते हैं या तो चोरी हो जाते हैं, उनके मोबाइलों को पटना पुलिस रेल के द्वारा उन्हें दिया जा रहा है। जो असली मालिक है, असली स्वामी है, उनको दिया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो टेबल पे लगाए हुए जितने भी स्मार्टफोन हैं सारे को जो असली मालिक हैं उन्हें सुपुर्द किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तरीके से देख सकते हैं कि पटना रेल के द्वारा जितने भी खोए हुए गुम हुए मोबाइल हैं उसे अब आज बांटा जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि कतारबद्ध होकर के, आपको बता दें कि आज रेल पुलिस के द्वारा तकरीबन आज पूरे माह में 1,70,00,000 रुपए के मोबाइलों को वितरण कर दिया है। आज हमारे साथ अमृतेंदु शेखर ठाकुर है रेल एसपी। कितने मोबाइलों को अभी तक बांटा गया है सर? अभी हम लोग ये जून से लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत अभी आज भी 154 मोबाइल कुल लगभग 23,10,000 का वितरण किया जा रहा है। और हम लोगों ने टोटल अभी तक 8वीं बार 1,129 मोबाइल को हम लोगों ने लौटाया है जिसकी लगभग कीमत 1,70,00,000 रुपए है। और ये मोबाइल वो मोबाइल है जो कि खो जाते हैं, इसमें चोरी गए मोबाइल भी सम्मिलित हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल को उसके धारक को लौटाएं। क्या चोरी में कमी आई है सर अभी तक? हाँ, निश्चित तौर पर मोबाइल चोरी में कमी आ रही है क्योंकि हम लोग उसको मोबाइल को ट्रैक कर रहे हैं बहुत तेजी से और उसमें जो भी साइबर फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि यह तथ्य स्थापित हो गया है जो मोबाइल खो रहा है या चोरी जा रहे हैं उससे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। पहले यह स्थिति नहीं थी लेकिन पिछले 6 माह में लगभग ऐसे देखा गया है कि जो भी मोबाइल चोरी हो रहा है, जो चोरी या खो रहा है उसमें उससे साइबर फ्रॉड हो रहा है क्योंकि लगातार जो मोबाइल से लोग पैसे के ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं तो उससे उसमें वो पिन का प्रयोग करते हैं और 2,000 रुपये तक का जो मोबाइल पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए ओटीपी की जरूरत है नहीं, तो ये गंभीर स्थिति है। तो हम अवेयरनेस कार्यक्रम भी चला रहे हैं, साई अवेक जागरूकता मार्च चला रहे हैं और हम लोग लगातार एक खास टीम हमारी लगी हुई है रेल पुलिस पटना में, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सुशांत कुमार चंचल के नेतृत्व में, जो कि मोबाइल को ट्रैक करते हैं खोए गए मोबाइल या चोरी गए। नव वर्ष आ रहा है सर, तो यात्रियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग जितने आम जन है रेल पुलिस जो पटना अपील करती है रेल यात्रियों से कि आप ध्यान रखें, सुरक्षित यात्रा करें, किसी भी आपात स्थिति के होने पे आप रेल पुलिस पटना को 9473197600 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। 24/7 ये नंबर कार्यरत है और उसमें आपकी कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि रेल पुलिस के द्वारा 1,70,00,000 रुपए का मोबाइलों को अभी तक बांट दिया गया है और ऐसे लोगों को भी चेहरे पे मुस्कान लगातार देने की कवायद रेल पुलिस के द्वारा जारी है। कहाँ से आप लोगों का मोबाइल चोरी हुआ? राजगीर ट्रेन से। कितने दिनों के बाद मिला है? 2 महीने। खुशी है? हाँ, खुशी, बहुत खुशी। रेल पुलिस का धन्यवाद करना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच सबको। क्या नाम हुआ? सोना जी। उम्मीद तो नहीं थी मगर बहुत अच्छा लगा, खुशी की बात है कि मिल गई हमें ये मोबाइल। मुगल सराय से। कितने दिन के बाद मिला? दो दिन बाद। जी। क्या नाम हुआ? मुन्ना सिंह। हरिशंकर साहब। हरिशंकर साहब कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता जी, गुम हुआ बक्सर में। 2 महीने में कुछ कम है जी। नहीं, हमको नहीं लगा था कि मिलेगा, लेकिन बहुत खुशी है। नया साल के उपलक्ष्य में बहुत हमको खुशी, इतना खुशी है कि हम रात में हमको 6 बजे फोन किया, संग संग हम गाड़ी पकड़ के चले आए। बहुत बहुत जल्दी रिकवरी किए हैं, बहुत खुश हैं हम लोग इससे। मोबाइल कटिहार से पटना जंक्शन आने के क्रम में सर भुला गया था, खुशडीहरा स्टेशन पर, खुशरूपुर स्टेशन पर सर गुम हो गई थी। सर कभी नहीं सोचा था कि मेरा मोबाइल, सर तकरीबन 5 से 6 महीना।
यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर। देख रहे हैं कि पूरे लोगों के चेहरे पे पूरी तरह से मुस्कान है। 1 जनवरी से पहले ही, 9 वर्ष आने से पहले ही रेल पुलिस के द्वारा उपहार दिया गया है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को फॉलो कर दे, और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें।